हेलो कोडन व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो बीएस डेटा साइंस वाले स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आईआईटी मद्रास के थ्रू। क्या है गुड न्यूज़? तो आपको मिला है, अगर आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में और इन फ्यूचर वो एमटेक करना चाहते थे, तो आप आईआईटी मद्रास से क्या कर सकते हो, आप बीएस डेटा साइंस में अगर आप इनरोल हो तो आप आईआईटी मद्रास से ही एमटेक कर सकते हो, या फिर आप पीजी डिप्लोमा करना चाहो तो आईआईटी मद्रास से क्या कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। यानी कि अब बीएस डेटा साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके पास एक ऑप्शन होगा, अपग्रेड का ऑप्शन, जिससे कि वो अपने जो डिग्री है उसको आप एमटेक लेवल तक भी ले जा सकते हो। क्या है पूरा चीज़, क्या मतलब आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो भी बच्चा बीएस से आप एमटेक करना चाहता है तो उसको क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, पूरा क्राइटेरिया क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इसको पूरा कंप्लीट डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं कि जो मेल आया हुआ है, यानी कि ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेल, इनका मेल यही है। क्या मेल में इन्होंने लिखा है, डियर स्टूडेंट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बीएस स्टूडेंट कैन नाउ अपग्रेड टू द पीजी डिप्लोमा एंड एमटेक प्रोग्राम, प्लीज रेफर टू द डॉक्यूमेंट बिलो एंड ज्वाइन अस फॉर अ सेशन टू डिस्कस फर्दर डिटेल्स। इन्होंने डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे दिया है और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि बीएस से एमटेक तक जंप करना और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि क्या है, अभी मोस्ट ट्रेंडिंग आपका सब्जेक्ट है, मोस्ट ट्रेंडिंग आपका कोर्स है, और ये आप आईआईटी मद्रास से कर सकते हो, ये बात बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इन्होंने डेडिकेटली 27 नवंबर का डेट आपको दिया हुआ है, वेडनेसडे को, और टाइमिंग जो होगा वो 5 से 6 बजे का होगा, और इनके यूट्यूब चैनल पे, यानी जो आईआईटी मद्रास का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा और इस इवेंट में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा इस वाले प्रोग्राम के बारे में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो एमटेक करने के लिए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच करना। अब बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे बच्चे बीएस डेटा साइंस से अपग्रेड कर सकते हैं एमटेक में, वो कंप्लीट डिटेल जानते हैं। जो इन्होंने पहले बताया हुआ है स्लाइड में, इन्होंने ये बताया हुआ है कि इन्होंने पीजी डिप्लोमा और एमटेक वाला जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो करना चाहते हैं, जो अभी बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम में इनरोल्ड है और वो क्या करना चाहें, वो अपग्रेड करना चाहें, तो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि क्या करना चाहते थे वो इसी मोड में, जो बीएस डेटा साइंस वाले प्रोग्राम के मोड में है उसी में वो क्या करना चाहते थे, वो हायर स्टडी एमटेक भी करना चाहते थे आईआईटी मद्रास से। तो उनका जो पूरा एक कमेटी बनाया गया, उन्होंने पूरा रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उन्होंने इस वाले प्रपोजल को, यानी एमटेक और पीजी डिप्लोमा वाले प्रपोजल को, कि अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाए, ये अप्रूव कर दिया है। अभी इन्होंने बताया है यहाँ पे कि क्या अभी का करंट स्ट्रक्चर है और इसके बाद जो चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपके क्रेडिट पॉइंट में चेंज होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर आपको फाउंडेशन लेवल अभी कंप्लीट करना होगा तो आपको टोटल 32 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, डिप्लोमा के लिए 54 क्रेडिट पॉइंट, ये आपका थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट्स को मिला के। बीएससी में आपके टोटल अगर कंप्लीट करने हैं तो 28 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, बीएस में कितने होते हैं 28, यानी कि अभी तक फाउंडेशन से बीएस तक टोटल आप देखो तो 142 क्रेडिट पॉइंट्स आपको कलेक्ट होने करने होते हैं बीएस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या होगा, जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको कुछ और क्रेडिट पॉइंट आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तब आप पीजी डिप्लोमा ले सकते हो या फिर एमटेक ले सकते हो। देखते हैं, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्योंकि काफ़ी जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होगा बच्चों का कि बीएस वाले में, ठीक है बीएस में कितना कुछ रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या कोई टेस्ट देना होगा या फिर क्या होगा, कैसे अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, क्या सब अपग्रेड कर सकते हैं, तो नहीं, सबको ये ऑप्शन ही दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एलिजिबिलिटी टू अपग्रेड टू पीजी डिप्लोमा एंड एमटेक प्रोग्राम, कंप्लीशन ऑफ ऑल द कोर कोर्स रिक्वायरमेंट एट द बीएससी लेवल, आपको जो भी कोर कोर्स की रिक्वायरमेंट है बीएससी लेवल तक उसको कंप्लीट करना होगा, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट मस्ट हैव ए CGPA ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.0, यानी कि जो आपका टोटल CGPA होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 8 हो सकता है, यानी 8 हो सकता है या फिर 8 से ज़्यादा हो, इससे कम वाले जो होंगे इस वाले प्रोग्राम को एलिजिबल नहीं होंगे, यानी उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द अपग्रेड, आप जब अप्लाई करना चाहो अपग्रेड पे, यानी कि इस वाले प्रोग्राम के लिए, तो आपका जो CGPA होना चाहिए वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए या 8 होना चाहिए। जो क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर द प्रपोज्ड पीजी एंड एमटेक प्रोग्राम, अभी जो उनका ऑफलाइन जो चल रहा है कोर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, उसमें 120 क्रेडिट्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, किसको, बीएस एंड बीटेक प्रोग्राम को, और उसके बाद एमटेक ऑन करने के लिए। लेकिन जो अभी बीएस वालों के लिए क्या बताया गया है, बीएस वालों में ये बताया गया है कि जो भी बच्चा बीएस प्रोग्राम कर रहा है तो वो तो अपना क्रेडिट कंप्लीट करेगा ही, साथ ही साथ एडिशनल उसको 40 क्रेडिट्स और क्या करने होंगे, आपको 40 क्रेडिट्स और कलेक्ट करने होंगे, आपको कंप्लीट करना होगा 40 क्रेडिट्स, तब जाके आप क्या कर सकते हो, बीएस प्रोग्राम वाले एमटेक की डिग्री ले सकते हैं। अब जो 40 क्रेडिट्स है, ऐसा नहीं कि एमटेक अगर करना चाहो तो 40 क्रेडिट्स होगा, इसमें डिवाइडेड है। आप अगर चाहो कि पीजी डिप्लोमा करना चाहो तो केवल आपको क्या मिलेगा,
आप यहाँ पे देखो, इन एडिशन टू एम टेक विल ऑल्सो हैव इंटरमीडिएट एग्जिट एट 20 एडिशनल क्रेडिट पॉइंट। यानी कि आप एम टेक नहीं करना चाहते हो, आप केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना चाहते हो, तो केवल आपको 20 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बीएस ले लो, बीएस या एम टेक लेना चाहो, तो इसके बाद 40 होगा, यानी कि बीएस और एम टेक के लिए 40 क्रेडिट। और अगर आप पीजी डिप्लोमा लेना चाहते हो बीएस के बाद, तो आपको केवल 20 एडिशनल क्रेडिट देने होंगे। स्टूडेंट कैन एग्जिट विद बीएस प्लस पीजी। जो भी बच्चे होंगे, अगर वो बीएस करने के बाद वो पीजी करके निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पे निकल सकते हैं, या फिर वो डिप्लोमा करके भी निकल सकते हैं, या फिर वो बीएस प्लस एमटेक के साथ भी क्या कर सकते हैं, अगर वो एग्जिट करना चाहें तो आराम से निकल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आपको टोटल एक्स्ट्रा अगर एमटेक की डिग्री आपको चाहिए, तो 40 क्रेडिट पॉइंट्स आपको क्या है, नीडेड है। आगे बढ़ते हैं। अब पीजी डिप्लोमा की बात करें, तो मैंने बताया कि जो पीजी अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको चाहिए केवल 20 क्रेडिट पॉइंट। अगर आपको एमटेक चाहिए, तो एमटेक के लिए आपको पीजी डिप्लोमा वाला 20 क्रेडिट पॉइंट और जो 20 एडिशनल क्रेडिट्स आएंगे उनको कंप्लीट करना होगा। अगर पीजी डिप्लोमा की बात करें, तो कौन कौन से क्रेडिट पॉइंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो देखो आपके कुछ कोर्सेज हैं, जैसे MLOPS है, इसमें आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। जेनेटिव AI के लिए आपका 4 क्रेडिट, एल्गोरिथम फॉर डेटा साइंस के लिए 4 क्रेडिट, इलेक्टिव 1 के लिए 4 क्रेडिट, इलेक्टिव 2 के लिए 4 क्रेडिट, यानी कि टोटल आपको 20 क्रेडिट पूरे करने होंगे पीजी डिप्लोमा को लेने के लिए। एमटेक प्रोग्राम के लिए जो पीजी डिप्लोमा वाला 20 क्रेडिट है वो, और साथ ही साथ एमटेक प्रोजेक्ट करना होगा जिसको आपको 20 क्रेडिट मिलेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि आप एमटेक प्रोजेक्ट होगा वो कहीं भी कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे बताया गया प्रोजेक्ट के लिए, द प्रोजेक्ट विल बी इन द ब्रॉड एरिया ऑफ मशीन लर्निंग एंड AI। आपको मशीन लर्निंग और AI में ही क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को करना होगा। इट कुड बी डन इन ए कंपनी और रिसर्च लैब, ये आप कंपनी में या फिर रिसर्च लैब में कर सकते हो। इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड इवेल्यूटेड सिमिलर टू वेब एमटेक प्रोग्राम। देखो IIT मद्रास का दो प्रोग्राम होते हैं, एक जो प्रोग्राम होता है वो होता है नॉर्मल बच्चों के लिए जो गेट के थ्रू होता है, और दूसरा इनका होता है वेब एमटेक प्रोग्राम। उनमें जैसे इवोल्यूशन होते हैं उनमें, वैसे सेम चीज़ें होने वाली है आपके BSO प्रोग्राम के अपग्रेड करने के जाएंगे एमटेक वाले में, पर सिमिलर वैसे ही होगा आप वाले में भी, ठीक है। स्टूडेंट कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर कोर्स ऑफ द पीजी डिप्लोमा। जो आपके स्टूडेंट हैं वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब कोर कोर्स जो पीजी डिप्लोमा का आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो एमटेक प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। और अब देख लेते हैं कौन कौन से लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा पीजी डिप्लोमा में आपके इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 कोर्सेज हैं, जिनके 8 क्रेडिट पॉइंट हैं। अब आपके कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख लो। आपका एक हो सकता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आपके 4, इसका क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, इसका 4। डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, इसमें आप ले सकते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसका 4 क्रेडिट पॉइंट। रिस्पॉन्सिबल AI, स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी। डिप्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ AI, सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशनल थ्योरी एंड लर्निंग, स्पीड टेक्नोलॉजी, स्पीच टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट, इन सारे का क्रेडिट पॉइंट क्या है, आपके 4-4 है। तो आप इनमें से आप 2 इलेक्टिव कोर्स ले सकते हो, और 4-4 करके आप क्या कर सकते हो, टोटल पीजी डिप्लोमा के लिए 20 क्रेडिट पूरा कर सकते हो। अगर आपको एमटेक चाहिए तो और एडिशनल 20 एडिशनल क्रेडिट होगा, उसके लिए आपको एमटेक का प्रोजेक्ट करना होगा, जो कि आप कोई भी कंपनी या फिर रिसर्च लैब में कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहा कि जो आपका अपग्रेड वाला जो ऑप्शन है उसके लिए, तो आप यहाँ से क्या की पॉइंट निकलता है कि जो भी बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते थे कि इस वाले प्रोग्राम के बाद वो AI फील्ड में जाना चाहे, ML फील्ड में जाना चाहे, मशीन लर्निंग में जाए, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन दे रहा है IIT मद्रास। आप क्या कर सकते हो, आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्यों तैयारी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं बच्चों को ऑप्शन मिलेगा, वही बच्चे एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए, जिनका जो CGPA होगा वो 8 से ज़्यादा या फिर 8 के बराबर होगा। इससे कम वाले बच्चों को ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका भी ड्रीम है एमटेक करना IIT मद्रास से, तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो IIT मद्रास के द्वारा। आप अगर BS टू डेटा साइंस के प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।